हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ऐसे करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आगे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे हैं और मेरे इन क्लाइंट के एब्रो को शेफ मैं जैसे दे रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने ऊपर से एब्रो को स्टार्ट कर दिया है और मैं बिल्कुल ही सफाई और अच्छी तरीके से मैं इनके एब्रो को शेप दूँगी। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने ऊपर से एब्रो को स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से मैं एब्रो बनाऊंगी। मेरे एब्रो हल्के हाथ से बनाने का मकसद ये रहता है, मैं थोड़े थोड़े हेयर करके निकालती हूँ कि मेरी क्लाइंट को दर्द नहीं हो। इस वजह से मैं बहुत ही हल्के हाथ से एब्रो को बनाती हूँ। ये मैं फोरहेड कर रही थी अपनी क्लाइंट का। अब मैं ऊपर का सेफ मैंने दे दिया है। इनका एब्रो अभी उतना ज़्यादा नहीं था, फिर भी मेरी क्लाइंट को कहीं जाना था तो इन्होंने अपना एब्रो बनवा लिया मुझसे। ये कहीं और भी बनवा सकती हैं लेकिन वो नहीं बनवाती हैं क्योंकि इनको पेन होता है ज़्यादा और मेरे हाथों से नहीं होता है। इस वजह से ये हमेशा मुझसे ही अपना एब्रो बनाना पसंद करती हैं। तो आप लोग आगे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें। मैंने एब्रो नीचे से स्टार्ट कर दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं अच्छी तरीके से शेप दूंगी, जितने भी छोटे छोटे हेयर हैं मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी। मैंने एक एब्रो अच्छी तरीके से बना दिया है। मैंने थ्रेडिंग को सेफ दे दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं छोटे छोटे हेयर हैं, थोड़े थोड़े हैं तो उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये सेफ में एक बाल और दिख रहा है, वही मैं उसको निकालूंगी जो कि मैंने अपने क्लाइंट से उनको बोला है कि पकड़ लीजिए, उन्होंने अच्छी तरीके से पकड़ा है। और एक एब्रो इसमें दिख रहा है, उसी को निकालना है।
आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं कौन सा आईब्रो का हेयर निकाल रही हूँ। मैंने अच्छी तरीके से आईब्रो को शेप दिया है। मैं ये बनाने के बाद अब दूसरा आईब्रो स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और ये मैं क्लीन कर रही हूँ आईब्रो को। मेरा एक आईब्रो कंप्लीट होने के बाद मैंने दूसरा आईब्रो बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपने क्लाइंट से बोला है अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए, मेरी क्लाइंट ने अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। मैं दूसरा आईब्रो स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं पहले नीचे से शेप दे रही हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने आईब्रो को नीचे से शेप देना स्टार्ट कर दिया है। आगे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। मेरी इनक्लाइन का आईब्रो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।